हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय गुरुकुल। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सर्वोदय गुरुकुल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यूपी बोर्ड क्लास 8th का हिस्ट्री, यानी कि हमारा इतिहास और नागरिक जीवन का चैप्टर नंबर 5, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, कारण एवं परिणाम। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जो भी आप प्रश्न कराए जाएंगे आपके परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभ्यास प्रश्न का पहला प्रश्न आपको देखने को मिलता है, जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1 है, 1857 ईस्वी की क्रांति के लिए तिथि निश्चित की गई थी। कौन सी तिथि थी जो 1857 की क्रांति के लिए निश्चित की गई थी, उसके बारे में आपको बताना है। पहला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर का है, इसमें है 8 अप्रैल 1857। दूसरा है 31 मई 1857। तीसरा है 10 मई 1857। या चौथा है 1 जून 1857। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा, 31 मई 1857 को जो 1857 की क्रांति की तिथि थी वो निश्चित की गई थी। और इसके लिए जो चिन्ह था, रोटी और कमल का फूल था। प्रश्न नंबर 2 है, बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु हुई थी। जो बहादुर शाह द्वितीय थे उनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी। पहला ऑप्शन है रंगून, दूसरा है कानपुर, तीसरा है झांसी, चौथा ऑप्शन है लखनऊ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, रंगून, जो म्यांमार की राजधानी हुआ करती थी। ये म्यांमार में है, ध्यान में रखेंगे बच्चों, म्यांमार की उसमें राजधानी हुआ करती थी रंगून। और प्रेजेंट टाइम में म्यांमार की राजधानी क्या है, इसके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट में लिख करके बताएंगे प्रेजेंट टाइम में म्यांमार की राजधानी कौन सी है। प्रश्न नंबर 2 है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसमें पूछा जा रहा है कि प्रश्न नंबर 1, 1835 ईस्वी में कंपनी के सिक्कों से किसका नाम हटा दिया गया। उत्तर में लिखेंगे 1835 ईस्वी में कंपनी के सिक्कों से मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर का नाम हटा दिया गया। सेकंड प्रश्न है, सन 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई। उत्तर में लिखेंगे सन 1857 की क्रांति की शुरुआत बैरकपुर मेरठ से हुई थी। बैरकपुर छावनी जो कि मेरठ में पड़ती है, यहाँ से इसकी स्टार्ट होती है, आप लोग ध्यान में रखेंगे। मंगल पांडे ने पहली गोली चलाई थी। बंगाल छावनी के किस सिपाही ने कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया। तो उत्तर में लिखेंगे बंगाल छावनी के सिपाही मंगल पांडे ने कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया, क्योंकि जो कारतूस होती थी उस समय अपने जैसे दांतों से खींचकर उसको भरा जाता था, उसमें जो बंदूक राइफल होते थे उसमें भरा जाता था, ठीक है। तो क्योंकि उसको दांतों से नोचना पड़ता था, लेकिन उस जो कारतूस होती थी उसमें किसका इस्तेमाल किया जाता था, उसमें चर्बी का इस्तेमाल किया जाता था। एक तो सुअर की चर्बी वहाँ पे इस्तेमाल होती थी और दूसरा यहाँ पे गाय की चर्बी इस्तेमाल होती थी। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोग गाय को गऊ माता मानते हैं, तो इसलिए हम लोग उसको चर्बी को हिंदू लोग उसको मुँह में डाल नहीं सकते। और सुअर जो है वो मुसलमानों के लिए बहुत ही ख़राब चीज़ उनके लिए माना जाता है, उनके लिए सही नहीं होता है, तो इसलिए वो लोग सुअर की वहाँ पे चर्बी का इस्तेमाल करते थे और गाय की चर्बी का इस्तेमाल करते थे। इसलिए उन्होंने बंगल पांडे ने क्या किया कि उस कारतूस का इस्तेमाल करने से मना कर दिया था। प्रश्न नंबर 3 है, लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसमें लिखना है 1857 ईस्वी की क्रांति के 4 कारण लिखिए। जो 1857 की क्रांति हुई थी उसके 4 मुख्य कारण कौन कौन से, तो उसके बारे में आपको लिखना है। पहला कारण हम लोग लिखेंगे राजनैतिक कारण। राजनैतिक कारण कौन कौन से थे जिसके कारण क्रांति का उद्गार हुआ। पहला इसमें लिखेंगे अंग्रेज़ों की युद्ध नीति। जो अंग्रेज़ों की युद्ध नीति थी, जैसे कि लॉर्ड वेलेजली द्वारा चलाई गई सहायक संधि नीति तथा लॉर्ड डलहौजी की लैप्स नीति से नीति के परिणाम स्वरूप बंगाल, बिहार, उड़ीसा, अवध, हैदराबाद, म्यांमार जो कि बर्मा था उसमें, पंजाब, सतारा, नागपुर, झांसी आदि भारतीय रियासतों को हड़प लिया। अंग्रेज़ों ने ग्राम में राजस्व यानी पंचायतों को समाप्त करके लोगों को गुलामी की जंजीर में जकड़ लिया, जिससे राजनीतिक असंतोष फैल गया। पहला कारण यह था। सेकंड कारण था आर्थिक शोषण। इसमें लिखेंगे अंग्रेज़ों ने भारतीय व्यापार तथा
दस्तकारियों को नष्ट कर दिया। वे भारत से कच्चा माल कौड़ियों के भाव खरीद लेते थे और अपने कारखानों में उसे संशोधित कर तैयार माल को भारत के बाजारों में ऊँचे दाम पर बेचते थे। अंग्रेजों की भूमि कर नीति के बाद भारत में अकाल पड़े और बेरोजगारी फैल गई। उच्च सरकारी नौकरियों के दरवाजे भारतीयों के लिए बंद कर दिए गए, इसलिए यह आर्थिक शोषण था भारतीयों का, जिसके कारण 1857 की क्रांति का उद्भव हुआ। थर्ड कार्ड अगर देखते हैं तो इसमें धार्मिक हस्तक्षेप किस प्रकार से था, इसमें लिखेंगे अंग्रेजों ने बड़ी संख्या में भारतीयों को ईसाई बना लिया। एक कानून द्वारा धर्म परिवर्तन करने वाले को पैतृक संपत्ति में हिस्सा देने का निर्णय लिया गया। इससे अंग्रेजों ने ईसाई बनने वालों के हितों की रक्षा की। भारतीय हिंदुओं तथा मुसलमानों में असंतोष का यह प्रमुख कारण था। पॉइंट नंबर 4 है सामाजिक कारण। सामाजिक कारण कौन कौन से थे, इसमें लिखेंगे अंग्रेज साम्राज्यवादी नीति पर चलकर अपने स्वार्थ को पाल रहे थे। घूस और भ्रष्टाचार का बाजार गर्म था। अंग्रेजों ने पंचायत व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया। इससे न्याय महंगा हो गया और देर से मिलने लगा। नई भूमि कर व्यवस्था से भी किसान का शोषण हुआ, जिससे अंग्रेजों के विरुद्ध जन असंतोष का बढ़ना स्वाभाविक था। इस प्रकार से आपने चार कारण देखे थे जो कि 1857 की क्रांति के कारण थे। अब आइए जानते हैं जो 1857 की क्रांति थी उसके असफल होने के क्या कारण थे। जो 1857 की क्रांति थी असफल सफल क्यों नहीं हुआ, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो उसमें उत्तर में लिखेंगे दोस्तों 1857 ईस्वी की क्रांति की असफलता के कारण। पहला पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे क्रांति की असफलता का सबसे बड़ा कारण किसी निश्चित योजना तथा केंद्रीय संगठन का ना होना था, जिससे स्थानीय विद्रोह एक दूसरे से जुड़कर राष्ट्रव्यापी रूप स्वरूप धारण ना कर सका। इसमें क्या हुआ था, पहले पॉइंट में जो असफलता को जो प्रमुख कारण हुआ, इसमें किसी जो निश्चित कोई निश्चित योजना नहीं थी, कोई योजनाबद्ध तरीके से इस क्रांति को नहीं देखा गया था और ना ही कोई इसमें केंद्रीय संगठन का कोई भूमिका थी, जिसके कारण यह जो क्रांति थी वो स्थानीय विद्रोह एक दूसरे से जुड़कर राष्ट्रव्यापी नहीं हो सका और यह यहीं पे फेल हो गया। सेकंड पॉइंट अगर हम देखते हैं तो इसमें लिखेंगे सारे देश में एक निश्चित तिथि को क्रांति का प्रारंभ ना होना भी विद्रोहियों का हार का एक कारण था। सारे देश में जो क्रांति का शुरुआत हुई थी वो एक साथ ना होकर बल्कि अलग अलग तिथियों से स्टार्ट हुई थी, क्योंकि ये मेरठ से स्टार्ट हुई, धीरे धीरे मेरठ से जैसे कि यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर पीछे से वो दमन होता चला गया, उसको ख़त्म कर दिया चला गया, लास्ट में पहुँचते फिर पूरा ये ख़त्म हो गया। इस तरह से अगर एक साथ स्टार्ट हुआ होता तो कहीं ना कहीं इसके परिणाम कुछ और ही होते हैं। पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं तो इसमें लिखेंगे यातायात के प्रमुख साधनों जैसे कि विशेषकर रेलों तथा डाक तार व्यवस्था पर अंग्रेज का अधिकार था। इससे वे अपने सैनिकों को युद्ध के स्थानों पर शीघ्र पहुंचा देते थे। उन्हें संचार साधनों से विद्रोहियों की गतिविधियों का तुरंत पता चल जाता था। वे समय रहते ही उसे निपटने की योजना बना लेते थे। उस समय जो यातायात के प्रमुख साधन थे वो अंग्रेजों को, उस पर अंग्रेजों का अधिकार था, और जो डाक घर थे, डाक टिकट के जो डाक तार थे, उसकी व्यवस्था भी अंग्रेजों के अधीन थी। जिससे क्या करते थे, जो कोई भी इस प्रकार से कोई अगर कोई योजना बनाता था किसी प्रकार से, तो अंग्रेज पहले ही अपने सैनिकों को वहाँ पर भेज करके उस चीज़ का दमन कर देते थे, वहीं पर रोक देते थे और उसको आगे नहीं बढ़ने देते थे। इस प्रकार से इन्होंने एक कारण यह भी था। अगर पॉइंट नंबर 4 चौथे कारण की देखते हैं तो चौथा कारण क्या था, यहाँ पे लिखेंगे अंग्रेजों को अपने मातृ देश इंग्लैंड से निरंतर जन धन तथा सामग्री की पूरी सहायता मिलती रहती थी, जिससे उनकी स्थिति मजबूत बनी रही और उनका मनोबल ऊंचा रहा। पॉइंट नंबर 5 है अंग्रेजों की अपेक्षा क्रांतिकारियों के नेता अनुभवहीन तथा अयोग्य थे। जो इंडियन के जो क्रांतिकारी नेता थे वो ना उनमें ज़्यादा अनुभव था ना ही उनमें वो योग्य थे कि इस जो क्रांति थी इसको आगे बढ़ा पाएँ, इसका सही से इस्तेमाल कर पाएँ अधिक से अधिक क्रांति लाने के लिए, जबकि अंग्रेज ऐसे नहीं थे, क्योंकि अंग्रेज जो क्रांतिकारी थे वो काफ़ी अनुभवी थे और योग्य थे। पॉइंट नंबर 6 है बहुत से भारतीय नरेशों ने भी अंग्रेजों का साथ दिया, जो कि किसमें बहुत से जैसे कि जयचंद कहते हैं, जो जिन्होंने अपने जिसको अस्तिन का सांप कहते हैं, उन्होंने भी जैसे कि भारत के जो कुछ राजा थे अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया था, जिसके कारण यह जो क्रांति थी असफल हो गई थी। प्रश्न नंबर 4 है दीर्घोत्तरी प्रश्न है।
इसमें पूछ रहा है कि 1857 ईस्वी की क्रांति की प्रमुख घटनाओं के बारे में लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे 1857 ईस्वी की क्रांति की प्रमुख घटनाएं निम्नलिखित हैं। पहला है बैरकपुर में अगर बात करते हैं तो बैरकपुर में लॉर्ड कैनिंग ने चर्बी युक्त कारतूस के प्रयोग के लिए भारतीय सैनिकों के साथ धोखाधड़ी की। 29 मार्च 1857 को बंगाल छावनी के सिपाही मंगल पांडे ने कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया तथा अपने साथियों को विद्रोह के लिए संगठित किया। इसके परिणाम स्वरूप मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे है मेरठ में 9 मई की घटना के अनुसार 90 से 85 सिपाहियों ने कारतूस में दांत लगाने से मना कर दिया। इस कारण इन सिपाहियों को 10 वर्ष की जेल की सख्त सजा दी गई। 19 मई 1857 ईस्वी को मेरठ में तैनात पूरी भारतीय सेना ने विद्रोह कर दिया तथा जेल पर धावा बोलकर अपने साथियों को छुड़ा लिया और कई अंग्रेज अधिकारियों को मार डाला। बहराइच में हजारों सैनिकों ने दिल्ली की ओर कूच किया। वहां के लोग उनके साथ मिलकर लाल किला पहुंचे। वहां पहुंचकर बहादुर शाह द्वितीय को भारत का शासक घोषित कर दिया। बरेली में खान बहादुर खान ने क्रांति का नेतृत्व किया। उन्होंने स्वयं को नवाब घोषित कर दिया। कैंपबेल के नेतृत्व में यहां की क्रांति को दबाया गया तथा खान बहादुर खान को फांसी दे दी गई। कानपुर में नाना साहब पेशवा घोषित कर दिए गए। अजीम उल्लाह खान नाना साहब का सहयोगी था। नाना साहब ने अंग्रेजों की सारी फौज को कानपुर से खदेड़ दिया। आजमगढ़ में स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह ने किया। अतरौलिया नामक स्थान पर उन्होंने मिलमैन एवं डेंस की संयुक्त अंग्रेजी सेना को पराजित किया। युद्ध में लड़ते हुए 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने सर फिरोज की सेना के साथ बहादुरी से लड़ी किंतु झांसी पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। रानी बहादुरी से लड़ते हुए मारी गई। इस प्रकार से ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर यदि नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।